शहर के नजदीक बजरंगगढ़ में स्थित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है कि मासूम बच्चियों के द्वारा छात्रावास में अनियमितता और लापरवाही की शिकायत पर छात्रावास अधीक्षिका ने उन्हें जमकर प्रताड़ित किया। इस शिकायत के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जांच करने भेजे सीओ ने तो और भी हद कर दी। जांच अधिकारी ने पहले अलग से अधीक्षिका से काफी देर तक बात की और फिर रणनीति तैयार कर मासूम बच्चियों को धमकाया। छात्रावास में प्रवेशित बच्चियों को न्याय दिलाने के बजाय जांचकर्ता ने उनके साथ अन्याय किया। ये सब मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार, अन्याय और लापरवाही को बढ़ावा दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला अनुसूचित कन्या छात्रावास बजरंगगढ़ में प्रवेशित कक्षा 6 से 12वीं की अध्ययनरत छात्राओं ने विगत 6 दिसंबर को कलेक्टर से छात्रावास में अनियमितताओं की शिकायत की थी। बच्चियों ने छात्रावास की शिकायत क्या कर दी, मानो उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो, ऐसा कि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इस खबर के प्रकाशन के बाद सकते में आए संबंधित अधिकारी ने सुशील पाठक, सीओ मंडल संयोजक आदिम जाति गुना को जांच करने भेजा, जिन्होंने मासूम बेटियों को बुरी तरह तक धमकाया, जिन्हें कोई रहम नहीं आया। और आपको बता दें कि उनकी जगह अगर सुशील पाठक की बेटी होती तो वो क्या यही करते। और इसके बाद लापरवाह अधीक्षिका विमला स्वामी के फेवर में रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उन्होंने पेश कर दी कि सर वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दूसरी ओर छात्रावास में रहने वाली बेटियों लगातार परेशान हैं और उन लोगों के जो आंसू हैं वो कैमरे के समक्ष टपक पड़े। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और वो बुरे हाल में है। छात्रावास में कोई मौजूद नहीं रहता। छात्राओं ने लिखित आवेदन में किया कि छात्रावास में अनेक समस्याएं हैं, उन्हें नाश्ता नहीं मिलता, ना ही चाय, ना दूध मिलता, समय पर खाना नहीं मिलता। सोमवार को सभी छात्राएं खाना बना रही थी और भूख की वजह से संगीता हिरवार की तबीयत खराब हो गई, चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गई। उस वक्त हॉस्पिटल में ना तो कोई कर्मचारी था और ना ही अधीक्षिका मौजूद थी। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में खाना बनाने के लिए रामचरण कोरी खाना बनाने के लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह एक महिला कर्मचारी को रख रखा है। वहीं इस संबंध में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग अधिकारी राजेंद्र कुमार जाटव से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि छात्रों की शिकायत पर मैंने सीओ को जांच करने भेजा था, अगर उन्होंने बच्चों को धमकाया है तो मैं खुद जाकर छात्राओं से बात करूंगा। अभी कौन बना रहा है? आप ही बना रहे? खाना कितने बजे मिलता है? 10-11 बजे एक ही टाइम मिलता है कि दोनों टाइम? एक ही टाइम मिलता है। खाना एक ही टाइम मिलता है? फिर शाम को मिलता है, सुबह और शाम को। सुबह और शाम को खाना अच्छा मिलता है? ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, कोई दाल कच्ची मिलती है तो कभी रोटियां भरी मिलती है। मतलब हॉस्टल में रह के भी आप लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता? नहीं मिलता। नाश्ता वगैरह? नाश्ता भी सही नहीं मिलता, कुछ दिन मिलता है कुछ दिन नहीं। नाश्ते में क्या क्या चीज मिलती है आपको? पाल्टी वाल्टी कुछ? चावल लग गया। नाश्ता अच्छा नहीं मिलता, खाना भी अच्छा नहीं मिलता। अभी एक लड़की बता रही थी कि आटा ही नहीं था आज। आटा नहीं था तो फिर आटा ही नहीं था तो आज रोटी आपको मिली नहीं होंगी? तो खाना ज्यादातर मतलब आप लोगों को ही बनाना पड़ती है? नहीं, हम नहीं बनाते, आंटी बनाती है। आंटी आएंगी तो आंटी कब से नहीं आई? आज ही नहीं आई। और भैंस रोया ना भी बना रहे हैं? नहीं, आंटी बनाती है। आंटी बनाती है खाना। तुम लोगों से कोई काम करवाया था हॉस्टल में? नहीं करवाया था। चलो ठीक है बेटा, है ना? आप तो ईमानदारी से बता, आपको खाना वाना पूरी व्यवस्था सही मिलती है कि नहीं मिलती है? जोर से बोलो, मैं अभी यार कलेक्टर साहब के पास पहुंचा था। मैं आपको पूरी बोलो क्या कह रही मैडम, आपने शिकायत करी, मान लो आपने स्कूल में एक आवेदन दिया है, उस आवेदन को देने के बाद में मैडम आपसे क्या बोल रही है? जो बोल रही थी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, सब झूठ बोलती है, तो तुम सारी लड़कियां झूठी साची है। कहीं पे जी बोल रही थी अगर तुम्हें आज खाना नहीं मिला तो आज तुम मर थोड़ी ना जाओगे, ये मर गई तुम भी मर जाओगे, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ ऐसा बोल रही थी, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। पापा से फोन लगा के बोल रही थी कि तुम्हारे पापा से बोलेंगे बहुत है, तुम्हारे पापा से बोलूंगी कि मेरे 3 साल हो गए। 3 साल तो तुमने कितनी बार चेक करा उन बच्चों के लिए खाना वाना मिलता है उनको? मैं बिल्कुल नहीं डाल रही, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ हमारी शक्ल भी देखो नहीं चाह रही, हमारी शक्ल देखो नहीं
कौन सी मैडम बोल रही है? जी हॉस्टल वाली मैम। क्या कर लेगी वो? क्यों डांट रही है? मतलब आपसे शिकायत कर रही है ना, खाने की, खाने पीने की शिकायत कर रही है जिस कारण डांट रही होगी। और पापा भी फोन लगा रही है।